रायबरेली सरेनी थाना क्षेत्र के गोगासा स्थित बेशन कपूरवा गांव में इस समय हड़कंप मच गया, जब नग्न अवस्था में किसान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतक किसान का ही बेटा सुबह सुबह खेतों में अपने पिता के पास पहुंचा तो उसका 43 वर्षीय पिता सचान पासवान खेतों में हाथ पैर बांधे गले में रस्सी के फंदे के मृत अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची सरेनी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुई थी आपके गांव में घटना? कौन है वो तुम्हारा? पापा। मतलब कैसे क्या हुआ, पूरी दास्तान सुनाएंगे? बताओ। टाइम फांसी लग रही, सीना बांधा रहा, हाथ बांधे रहे, लाइन माने से बांधे रहे, शरीर तय पड़ी रही, शरीर तक उठा रहा ऊपर खाली। कई बजे के समथिंग में गए थे आप सुबह? 6:30 बजे। 6:30 बजे उसी कंडीशन में आपको मिले? वहाँ के आसपास पे कोई था या नहीं? तुमको क्या लगता है क्या हुआ होगा पापा के साथ? दरक क्या लग रहा आपको? ऐसा जब घर से आया ना तो मेरा लड़का नंगा पड़ा रहा, वो सब फांसी लगाई गया रहा, जमीन में पड़ा था, हाथ पाँव सब उसके बंधे रहे। अच्छा, क्या लग रहा आपको, फांसी लगाया है या हत्या की गई? नहीं, हत्या की गई है, उसको हाथ पांव सब बंधे रहे। अच्छा, पूरा शरीर नंगा था? पूरा शरीर नंगा पड़ा रहा है। क्या किसी से कभी कोई रंजिश है, कोई विवाद है? रंजिश विवाद हम लोग इस तरह का विवाद नहीं, ना माई घरेलू चला कर रहे थे, इनका नहीं विवाद मांगी। किसी पर शंका है आपको? हम पर शंका नहीं ना किसी पर, ऐसा कह दिए अब हम जो कीन हो वह जाने पर। इस सूचना पे थाना सरेनी और मेरे साथ लगा हुआ पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर आया है। कौनसी टीम बुलाई गई है और मौके पे जांच की जा रही है, बहुत ही सूचना मिल गई है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर फिलहाल देखने में क्या लग रहा है, हत्या है या फिर? अभी ये जाँच का विषय है, फॉरेंसिक टीम और PM के बाद जाँच में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इनकी डेथ कैसे हुई है। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन